ये एकेडमिक एक्सेलेंस बेस्ड लाइफ ना ये ये बेस्टाइल लाइफ स्टाइल ये मैं इसके बारे में बात करता हैं मेरा एक छोटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है समझिए एक बंदा एक अच्छे बच्चा बच्चा पढ़ाकू था क्लास में वो पढ़ा 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 दसवीं में उसने अच्छा मार्क्स दिया फर्स्ट आया वाड एवर देन वो आई में हो गया अब सोचो आई के बंदे यार ये तो नहीं कर सकते ना कि जाके सड़क पर सेल कर रहे हैं मतलब थिंक वाट दिस इन योर माइंड मैं क्या कहना चाहूँ मेरा पॉइंट समझना उनका ना जो लाइफ एक बंदा है जो फिर उसकी जॉब लगीट से उसकी माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लगी अच्छी पोजीशन पे फिर वहाँ पे अच्छे काम करता चला गया ठीक ठीक है है, है ना? ना? तो वो इस तरह की लाइफ मतलब कि he is academic excellence based life. ना? Academically वो किया और उसके कारण उसको में मिली एंड जॉब्स मिली और वो जॉब्स के अंदर राइज करता चला गया बिकॉज ऑफ एकेडमिक एक्सेलेंस थी पहले और अब उसको उसके कारण, तो इंटेलिजेंसमिकस एंड इंटेलिजेंस बेस्ड लाइफ लो राइट वो ऊपर चला चलता चला गया High IQ based life है ना? तो इंडिया में जो जो जिसके एकेडमिक एक्सीलेंस है और दिमाग तेज है वो अगर बनता है डॉक्टर तो भूखे मरता है और अगर बनता है इंजीनियर तो सीधा अपर मिडिल क्लास में पहुंच जाता है ये सीधा अपर मिडिल क्लास में एंट्री है अगर उसका इंटेलिजेंस हाई है और अगर उसका एकेडमिक एक्सीलेंस हाई है अमेरिका में उल्टा है ये, ये मैं डॉक्टरों और इंजीनियरों को डॉक्टर्स यहाँ पे एकेडमिक एक्सीलेंस बेस्ड लाइफ में उनको अच्छा इसके अंदर एक और बात है जो ऐसे चलने का मतलब कि एक और है मैं कई बार करता हूँ ना इस तरह से तो उसको मैं बताने पूछूँ उनको पीपल स्किल्स नहीं है उनको इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं है उनको फाइनेंस स्किल्स नहीं है उनको कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है इस तरह किसी बस अप, academic की बस एकेडेमिक एक्सिलेंट थे और आई हाई आई क्यू है इंटेलिजेंट बच्चा यानी कि क्लास का इंटेलिजेंट बच्चा इंटेलिजेंस के कारण उतनी उसने अच्छी कॉलेज में एडमिशन ली इंटेलिजेंट बच्चा आगे आगे चलता चला गया ठीक है ना इसको मैं एकेडमिक एक्सलेंस या इंटेलिजेंस बेस्ड लाइफ या दोनों एंड एक्सेलेंस बेस्ड लाइफ दोनों बोल सकता हूँ ठीक है ना यानी कि इंटेलिजेंट बच्चे ठीक है ना स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है बिल्कुल भी सेलिंग सेलिंग नहीं आती सेलिंग नहीं आती किसी बात अच्छा कॉन्वर्सेशन स्किल्स नहीं है कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है ये सारे स्किल्स की उस कमी है मेकिंग सेंस ये सारे स्किल्स की कमी है कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं कि बड़ा एक्टिव सा बंदा भी है मेकिंग सेंस होते ना बड़े बंदे इस तरह के पढ़ाकू टाइप कह लो पर पढ़ाकू भी मतलब अच्छा पढ़ाकू कि उसके चलता चला गया तो इंडिया में इंजीनियरिंग की लाइन में बड़ा पैसा है और अपर मिडिल क्लास लाइफ स्टाइल इमीडिएटली स्टार्ट मिलता है आपको अमेरिका में डॉक्टरी में और डेंटिस्ट्री में और वेटनरियन डॉक्टर को मिलता है मैं आपको एक और आप ये वेटनरी डॉक्टर पे वीडियो बना दूंगा ठीक है वेटनरी डॉक्टर को मिलता है यहाँ पे उनको बहुत पैसा है अब ये बात इंजीनियर्स को पता नहीं है कि उनको कुछ भी पैसा नहीं है आई मीन आई टेल यू यस ये लोगों को पता भी नहीं है मेरा एक फ्रेंड हम चार बंदे बैठे थे पांच बंदे बैठे थे एक डॉक्टर था एक इंजीनियर था एक बंदा छः साल पहले इंडिया से आया हुआ छः सात साल पहले इंडिया से आया हुआ था तो हिज लाइक हीज बीन हेयर फॉर वाइल्ड <laughs> अब पता नहीं उसको दिमाग में किसने डाला हुआ है क्या रीजन है मैं भी बैठा था अब उसको पता नहीं क्या लोगों <laughs> लोग क्या अर्न करते क्या नहीं करते तो लोगों को नहीं मालूम होता वो कहता यू नो यू नो आईव स्टार्टेड टू मेक सिक्स फिगर इनकम सिक्स फिगर इनकम जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ा कोई मतलब कोई खुदा मिल गया उसको तो मैं तो मैं तो शौक में आ गया कि ही फील सो प्राउड ऑफ दिस सिक्स फिगर इनकम यानी कि हंड्रेड थाउजेंड डॉलर तो मेरा जो डॉक्टर बैठ था उसने बोला कि आई मेक फोर हंड्रेड फिफ्टी के ईयर तो उसको समझ ही नहीं आया कि क्या बोल रहा है तो उसने बोला फोर हंड्रेड फिफ्टी थाउजेंडर्स अयर में बनाता हूँ तो उसकी तो मतलब उसकी तो उसकी तो सर्टिफिकी गुम हो गई डॉक्टर एक्चुअली मेरा लॉड मनी हियर बट दे आर मिडिल क्लास और मिडिल माइनस में रहना पड़ता है ऐसे सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती घर घर के अंदर बहुत सारे काम करने पड़ते हैं जो करने पड़ते हैं तो वो उनकी भी सॉल्व नहीं होती यू कैन से दे आर इन लेट्स से टाइट मिडिल क्लास बस इससे ऊपर नहीं कह सकते मिडिल प्लस तो इन्हें कहो क्योंकि उनको घर के काम करने ही पड़ते हैं चलिए फिर अपनी बात पे आते हैं तो वो एक, पर वो जो डॉक्टर्स हैं दे लिव लिवन एकेडमिक एक्सेलेंस बेस्ड लाइफ यानी कि इंटेलिजेंट बच्चा है जो अगर आपने अमेरिका जाना है सिंपल से इसकी कॉररी ये है तो आप उसको डॉक्टर बनाओ या डेंटिस्ट बनाओ अगर आपने उसको बनाया इंजीनियर यहाँ पे आके मिडिल मैनेज लाइफ स्टाइल जीगा थ्री फिफ्टी के की टू हंड्रेड फिफ्टी के की वो भी दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके वहाँ पे कला डॉक्टर छः सात सौ की कमा लेगा जी ओपन सान ऑन क्लिनिंग तो लाभ मिलियन तक चला जाएगा तो दे लि आर वेरी कंफर्टेबल लाइफ ईयर जो डॉक्टर्स हैं दे लि वेरी कंफर्टेबल लाइफ ईयर आई कैन से दैट ठीक है ना तो ये तो एकेडमिक तो ये, एक्सेलेंस का मतलब समझ में आ गया मतलब यही है इसका सिंपल सा कि बंदा इंटेलिजेंट है और एकेडेमिकली स्मार्ट था एंड उसने अच्छी डिग्री जो अच्छे कॉलेज में एडमिशन ली अच्छी डिग्री ली उसके बेसिस उसकी लाइफ के अंदर सारा सेटल हो जाएगा उसके पास पीपल स्किल्स नहीं है कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है ठीक है ना पढ़ाकू सा बच्चा है पढ़ाकू लुक्स है उसकी स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है सेलिंग स्किल्स नहीं है बिजनेस स्किल्स नहीं है कुछ नहीं किया उसने सिंपली अपनी डिग्री के बेसिस पे और अपनी इंटेलिजेंस के बेसिस पे जॉब लेके आगे बढ़ता चला गया तो इंडिया में इंजीनियर्स की बोल बाला है यहाँ पे डॉक्टरों का बोलबाला है ठीक है ना तो ठीक है ना तो ये तो ये है एकेडमिक एक्सिलेंस बेस्ड और एंड इंटेलिजेंस बेस्ड लाइफ ठीक है ना या पढ़ाकू बच्चों की लाइक ये ये चीज़ अब बस मैंने बताना था और क्योंकि मैं इसको बड़ी बार यूज करूंगा एज ए रेफर उसको मैं ऐसे भी क्योंकि बोलता कि बस बंदे का बस कोई और स्किल नहीं और ऐसे चलता चला गया बस तो वो चीज डॉक्टरों की यहाँ पे अगर आपका बच्चा इंटेलिजेंट है और आपको अमेरिका भेजना तो उसको हो बनाओ या कुछ किसी चीज़ की जरूरत नहीं है सीधा आगे बंदा छह सात लाख में एंड इज तो प्रस फेयरली सक्सेसफुल लाइफ ठीक है ना और गाइस